रवाना हो गए जी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इमरान। और अब आपको बताएं कि वजीर मम्लिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अपोजिशन को सदारती निजाम पर मरोड़ क्यों हो रहा है। सुपर पावर अमरीका में भी सदारती निजाम है। अगर हमें पार्लियामानी निजाम के सम्राट नहीं मिल रहे तो सदारती निजाम पर सोच विचार करें। हम जनरल याहिया, जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ वाले निजाम की बात नहीं करते क्योंकि वो सदारती निजाम थे ही नहीं। मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सदारती निजाम पे भी इनको बड़े पेड़ पे मरोड़ा है। कोई बात तो करो, कौन तुमसे सिंध छीन रहे, बात तो करो। पाकिस्तान अहम है, निजाम अहम नहीं है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके हम सब इधर प्रवर्धन है, अगर उससे फ्रूट्स नहीं मिल रहे या उस तरह नहीं मिल रहे, सोचो उस पर, सोच विचार करो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आज अगर दुनिया में एक सुपर पावर है अमेरिका, तो उधर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो लोग ये बात करते हैं, टर्की में भी जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निजाम फेल हो चुका, कौन सा सदारती निजाम? बात से बात निकल रही है जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, वो अयूब खान का सदारती निजाम या यहिया खान का या मरहूम जियाउल हक साहब का या मुशर्रफ साहब का, वो तो सदारती निजाम नहीं था। सदारती निजाम तो अभी तक पाकिस्तान में आया ही नहीं। सदारती निजाम वो होता है जो एक आजाद इलेक्शन कमीशन के तहत मार्शल लॉ और किसी भी गैर सियासी ताकत की उनके असर रसूख के बगैर एक आजाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के बीच में इलेक्शन कमीशन जो है वो सदारती इलेक्शन कराता है, वो तो अभी हुआ ही नहीं।